शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को मिले सरकार की तरफ से सुरक्षा। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले रविंद्र सिंह भाटी की देश में चर्चा हो रही है। जहां भाटी गए वहां लोगों की हजारों की तादाद में भीड़ देखने को मिली, चाहे राजस्थान हो या फिर गुजरात। जब चुनाव में हंगामा हुआ उसके बाद भाटी बालोतरा में धरना दे रहे थे। उस दौरान उनके सोशल मीडिया पेज पर लाइव के दौरान रोहित गोदारा के नाम से उनको धमकी दी गई। धमकी देने के बाद उसके समर्थकों के साथ राजपूत समाज में भी आक्रोश देखने को मिला। ऐसे में सोमवार को उदयपुर में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया ने बताया कि एक राजपूत समाज के नेता ने विधानसभा ही नहीं लोकसभा चुनाव में भी अपना दमखम दिखाया, उसके बाद जिस तरह से रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है, इससे भाटी को जान का खतरा हो सकता है। सरकार इस ओर ध्यान दे और भाटी को सुरक्षा प्रदान करे ताकि भाटी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। मेरे साथ अजीत सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, किशोर जी और हम सभी यहाँ पे आज एक विशेष कारण हेतु ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं में नेता लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में एक नवोदित जननायक बाड़मेर से जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे श्रीमान रविंद्र सिंह भाटी, उनके खिलाफ आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जान से मारने की धमकी दी है। तो हम मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें हमारा अनुरोध है कि ऐसे शख्स जो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे 36 ही कौम उनके साथ लगी हुई है, ऐसे गरीबों और मजलूमों के मसीहा को अगर इस तरह की धमकी मिलेगी तो प्रशासन सोए नहीं रहे। हमारी ये मांग है उनको Z+ सुरक्षा प्रदान की जावे। और यहाँ उदयपुर ही नहीं परंतु आप देखेंगे कल अखबारों में सभी जगह पे, पूरे राजस्थान में लगभग सभी जगह इस तरह के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये कोई जाति विशेष के खिलाफ अभियान नहीं है, ये एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के तहत हम चाहते हैं ऐसा जननायक आगे बढ़े और हमारे प्रदेश और देश का कल्याण और नाम रोशन करे। जय एकलिंगनाथ।